आपके अंदर जो गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए पहले आप संविधान को पढ़िए, उसके बाद ही आपका शक बाहर निकल पाएगा। अपने घर में भगवत गीता, कुरान, बाइबल, उसके साथ साथ संविधान के लिए जगह बनाओ। अंबेडकर ने कहा है, मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म पर आधारित होती है। श्रेष्ठता पर किसी एक का नहीं, सभी का अधिकार है। उसका काम ही निर्धारित करेगा कि वो कहां रहेगा और कैसे रहेगा। इस देश में हर रोज हर आधे घंटे में मीडिया वाले वास्तुशास्त्र और राशिफल के बारे में बताते हैं। अगर पूरे दिन में सिर्फ एक घंटा भी अगर संविधान के बारे में बताएंगे तो हमारे इस देश की जनता के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। इस देश में हर एक इंसान किसी ना किसी के जाति का है, लेकिन इंसानियत किसी में नहीं है। इस देश के हर एक राज्य में जनता की सरकार है, फिर भी हमें प्रजातंत्र को ढूंढना पड़ता है। इस देश के हर एक घर में स्त्री है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए हमें सोचना पड़ता है। इस देश में 70 साल से स्वतंत्रता मौजूद है, फिर भी हमें मानव के अधिकार के लिए ढूंढना पड़ता है। इसीलिए अंबेडकर ने कहा है, ओ मेरे भारत के नागरिकों, तुम खुद को जाति और धर्म के नाम पर कभी भी आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए फिर से एक बार कहता हूं, संविधान को पढ़ो। संविधानम शरणम गच्छामि, संविधानम शरणम गच्छामि।